हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और नया नया मैंने मेड रखा है, सो तीन दिन काम किया और चौथे दिन ही वो नहीं आई थी और ना ही नंबर वगैरह था। तो पहले तो मैं बहुत देर तक, क्योंकि बिना बताए नहीं आई थी, तो मैं बहुत देर तक वेट की। मैं सोची चलो 7 बजे आ जाएगी या फिर चलो 8 बजे आ जाएगी। 9 बजे तक मैंने वेट किया। उसके बाद 9 और मेरे हस्बैंड को उस दिन लेट जाना था, इस वजह से वेट की, नहीं तो नहीं ही वेट करती। तो उनको लेट जाना था, 12 बजे के बाद से जाना था। तो फिर 9 बजे तक मैं वेट की। उसके बाद सच में मतलब कम से कम 35 से 40 घंटा लगा बर्तन धोने में, क्योंकि डबल बर्तन हो जाता है। जितना बर्तन था उससे ज़्यादा ही, जितना बर्तन पहले रहता था उससे ज़्यादा ही था। तो बर्तन धोई और जो भी किचन वगैरह जो भी साफ़ स्लैब और गैस चूल्हा ये सब साफ़ करना था, ये सब करते वरते चाय बनाते बनाते 1 घंटा पूरा लगा। और सच में मैं 10 बजे हाथ में चाय दी हस्बैंड को। और उससे पहले क्या था ना, मेरे हस्बैंड में थोड़ा, मैं थोड़ा हस्बैंड से मुँह फुला ली थी, तो देखा आपने जैसे बोल रहे थे, उनके बोलने के टोन से ऐसा लग रहा था कि वो बात करने का कोशिश कर रहे हैं, बस हम दोनों में बात हो नहीं रहा है। तो ऐसा ही होता है कुछ दिनों से। जैसे पहले स्टार्टिंग में ना मेरे हस्बैंड किसी चीज़ के लिए मुझे डांट देते थे या बोल देते थे, मतलब एक होता है ना कि कोई चीज़ के लिए झल्ला देना या चिल्ला देना, कभी ऐसा अगर थोड़ा सा भी कर देते थे तो मैं थोड़ा वो चीज़ सोचती थी कि हाँ ये गलती हो गया, और उस चीज़ के लिए सॉरी होती थी या फिर मना भी देती थी। तो फिर उनका गुस्सा थोड़ा ज़्यादा देर तक चलता था। बट अब क्या है कि अब आदमी को परखते समझते आदमी सब कुछ समझ जाता है। तो मेरा जब 5-6 साल अब शादी का हो गया लगभग, तो अब मैं क्या करती हूँ, वैसे तो बहुत कम गुस्सा होता है अब, पहले ही थोड़ा ज़्यादा हो जाते थे। अब कभी कभार ऐसे अगर कोई चीज़ के लिए गुस्सा आ गए तो उल्टा मैं क्या करती हूँ, मैं ही गुस्सा हो जाती हूँ। अगर वो किसी चीज़ के लिए चिल्ला दिए तो फिर मैं गुस्सा हो जाती हूँ। मेरा अब ये कहना होता है कि बच्चे हैं तो बच्चे के सामने ऐसे मुझे कोई चीज़ के लिए चिल्लाइएगा तो फिर बच्चा क्या वैल्यू करेगा। तो वैसे बहुत ही कम होता है हमारे बीच, ज़्यादातर हम दोनों, मतलब देखने से नहीं लगता होगा, वो थोड़ा सा अलग नेचर के हैं, लेकिन फिर भी हम लोग फ्रेंड जैसे ही हैं, लगभग फ्रेंड जैसे रहते हैं। तो मैं थोड़ा सा गुस्सा हो गई थी और वो बात करने का कोशिश कर रहे थे, हम दोनों में बात नहीं हो रहा था, मैं मुंह फुला ली थी, तो वो बात करने का कोशिश कर रहे हैं और इसलिए पहली बार ऐसे ब्लॉग में बोल रहे कि देखो ऐसे एक बार और कभी बोले हुए हैं कुछ चीज़ें। तो वही बोल रहे थे कि मिठी बोलो 10 बजे चाय हो रहा है, मतलब ब्लॉग में, तो मैं उनका आवाज़ रहने ही दी। सो सारा काम वाम हो गया और लेट तो हो ही गया था क्योंकि 10 बजे हमारा चाय ही हुआ है। और सब्ज़ी में जो बैंगन है वो बहुत दिनों बाद बैंगन आया था, क्योंकि मुझे सूट नहीं करता बैंगन, तो इसलिए मेरे हस्बैंड भी नहीं खाते हैं। वैसे उनको सूट करता है, उनको पसंद भी है, लेकिन नहीं ही लाते हैं क्योंकि मुझे नहीं सूट करता। तो लेट हो गया था तो सोचा चलो चावल दाल और बैंगन का भरता और गोभी का पकौड़ी बना लेती हूँ। वैसे चाहती तो आलू गोभी का भी सब्ज़ी बना सकती थी, आलू बैंगन का भी, लेकिन सब्ज़ी बनाने का ही मन नहीं किया। तो बस बैंगन को पका करके बैंगन का भरता और ये देखिए गोभी का पकौड़ा, जो कि सबको, मतलब मेरे हस्बैंड को भी मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये कभी कभी हल्का खाना जो होता है ना, हल्का तो नहीं बोलेंगे क्योंकि पकौड़ा हो गया तब तो हल्का नहीं है, लेकिन फिर भी एक अलग टाइप का हो गया। बिना सब्जी अलग टाइप क्यों होता है पता नहीं, मतलब बिना दाल चल जाता है लेकिन बिना सब्जी नहीं चलता है। तो ये बैंगन का भरता जो कि मैं बहुत दिनों बाद, पता नहीं साल 1-2 साल बाद ही खाई हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है। इसका टेस्ट सच में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है बैंगन का भरता का। बैंगन पकाई थी गैस पर और पकाने टाइम उसी में लहसुन का कुछ कली था वो डाल दी थी, चीरा लगा के पकाई थी, तो उस चीरे के बीच में लहसुन का कली डाल दी थी और वो भी अच्छे से पक गया था। उसके बाद इसमें नमक और ये प्याज रखी हूँ और वो जो लहसुन था उसको भी थोड़ा बहुत तोड़ दी, और हरा मिर्ची है तो हरा मिर्ची डाल दो, अगर थोड़ा बहुत धनिया डालना है तो ऊपर से डाल सकते हो। बाकी मेरे पास हरा मिर्ची नहीं था इसलिए मैंने हरा मिर्ची नहीं डाला इसमें। तो बहुत ही सुपर सुपर डुपर टेस्टी बनता है। आप लोग बताना आप लोगों को बैंगन का भरता कैसा लगता है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब जितना भी होता है ना चोखा, आलू का चोखा ये वो जितना भी होता है, परवल का भी चोखा मैंने सुना हुआ है, उसे बैंगन का चोखा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये दोनों बनके तैयार है, चावल दाल सब कुछ बन गया है। ये देखिए अब मैं ये थोड़ा समेट रही हूँ। और उनको जो लंच मैं दी थी ना, पहली बार चोखा दी थी, हमारे इधर बोलते हैं बिहार में कि चोखा धोखा होता है, चोखा खाकर कहीं नहीं निकलते हैं, तो ऐसा बोला जाता है। लेकिन पहली बार मैं दी थी और बोली थी चलो ये चोखा नहीं है, ये कुछ और ही है, भरता है या फिर भाजा जो भी बोल दो, ऐसे बोल दो चोखा नहीं, क्योंकि मैं यही बनाई थी। तो उनको लंच में भी यही दी थी, रोटी घी लगा करके और बैंगन का भरता और ये पकौड़ी। पकौड़ी है तो मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है तो वो आराम से खा लेते हैं, उनको ये नहीं है कि सब्जी नहीं है तो कोई दिक्कत है, ऐसा कोई बात नहीं है।
तो मतलब ये सब कुछ तैयार हो चुका है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे मैं आटा लगा रही हूँ अभी, मतलब लंच के लिए ही। चावल दाल तो बन ही गया है, बैंगन का चोखा भी बन गया है और पकौड़ी भी बन गया है। लास्ट में मैं रोटी बना रही हूँ, क्योंकि मैंने बोला ना कि आज हस्बैंड को थोड़ा लेट जाना था, इसलिए आराम से मैं खाना बना रही हूँ। लेट मतलब 12 बजे के बाद जाना था, तो आराम से सब कुछ बना रही हूँ। यहाँ पर मैं आटा लगा रही हूँ। पता है, गूदा हुआ कभी भी आटा मैं नहीं दिखाती हूँ। क्यों पता है? दिखाती भी हूँ तो मुझे शर्म आता है, क्योंकि ना मैं जब आटा लगाती हूँ तो बहुत ज़्यादा आटा गूंथते टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है वो आटा वाला कठौत में। तो मतलब एक दिन ही लग, जैसे धो के और उसमें चाल के रखती हूँ तो एक दिन में ही ऐसा लग जाता है। मेरी मम्मी लोग बनाती है आटा, जब गूंथती है तो नहीं लगता है, पता नहीं मेरे साथ ऐसा हो जाता है। और सेकेंड डे और भी लग जाता है, अगर सेकेंड डे नहीं धोई उस बर्तन को और उसी में अगर मतलब ढक के रख दी और उसी में अगर आटा फिर चाल दी तो और ज़्यादा लग जाता है। तो इसलिए मैं नहीं दिखाती हूँ। मैं रोटी बना रही थी और उधर बाबू लोग खेल रहा था, हस्बैंड अपना रेडी हो रहे थे, नहा रहे थे, कपड़े पहन रहे थे, उनका थोड़ा बहुत आ रहा था। थोड़ा देर तो मैंने ब्लर कर दिया था क्योंकि वो बनियान भी नहीं पहने थे, तो थोड़ा थोड़ा दिख रहा था। और वो चीज़ें मुझे नहीं पता चलता है जब मैं किचन में रहती हूँ तो, क्योंकि कैमरा कहाँ तक क्या कैप्चर कर रहा है कभी कभी ध्यान में नहीं रहता है कि अच्छा यहाँ बाहर का कैप्चर कर रहा है और इस टाइम वो नहा के आ जाएंगे, ऐसा वैसा, तो वो बात है। और उसके बाद रोटी बन गया है, अब कुछ नहीं है, बस उनका खाना निकाल के देना है। तो उनको खाने में, अगर वो रूम पे नहीं है तब तो वो अलग बात है, जिस दिन वो रूम पे है मतलब चावल खा रहे हैं तो उनको पापड़ ज़रूर से चाहिए। मतलब बिना पापड़ के वो बहुत ही कम ऐसा दिन होता होगा जो वो खाते होंगे, और वो भी मेरी वजह से। नहीं तो अगर उनका बच्चा ले तो डेली ही वो बोले, लेकिन ऐसा बोलते नहीं है, मुझे पता है, तो मैं बना ही देती हूँ। तो एक साइड में उनको खाना निकाल दी, वो खा रहे हैं, और दूसरी साइड में उनके लिए लंच भी रख रही हूँ, क्योंकि वो लेट से जा रहे हैं तो लेट से आने वाले भी हैं। तो जैसे एक बार खा करके तो जाएंगे और लेट से आएंगे तो फिर भूख तो लगेगा ही, तो रोटी और वही लंच भी मैंने डाल दिया है।
ये पानी मैं चेंज कर, मतलब पानी जो है वो अपना ले जाते हैं, तो वही थोड़ा सा कम था, वही पूछ रही थी डालना है, तो मैं वही डाल दी उसमें पानी। और उसके बाद इनका लंच पैक हो गया है। मुझे लंच पैक करने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है लंच। ये मैं अपना हाथ देख रही थी, मेरा हाथ मुझे सुंदर लग रहा था, ये ब्लैक है ना, तो ब्लैक पे तो अपना हाथ रखूँगी तो साफ़ ही लगेगा, तो वही साफ़ लग रहा था। और जल्दी से टिफ़िन पैक करके और जल्दी जल्दी मैं झाड़ू लगाने आ गई थी, क्योंकि काम वाली तो आई नहीं थी और इतना लेट मैं उठी थी, और लेट उठी थी तो चाय खाना ये वो में ही लग गई, तो झाड़ू नहीं लगा था। और हस्बैंड के जाने से पहले मुझे झाड़ू लगाना था, क्योंकि अब वो जाएंगे तो फिर कब मैं झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी वो 12 बजे जाने ही वाले थे। तो जब तक वो खाएंगे तब तक, पहले तो मैं दोनों रूम में और किचन में झाड़ू निकाल ली थी, उसके बाद से रिकॉर्ड स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि अलग अलग रूम में अलग अलग किचन में हर जगह ज़्यादा कर मैं रिकॉर्ड नहीं कर रही हूँ, बस दिखा रही हूँ कि हाँ इसके बाद मैं ये काम कर रही हूँ। तो मिठी का टेंट फिर से मैं नहीं दिखा पाई, साइड में रखा हुआ है उसका टेंट, और मतलब वो बोलती है मम्मा इसका रिकॉर्ड करो, और मैं ध्यान में नहीं रहता, मैं सोचती हूँ अच्छे से दिखाऊंगी बाहर से अंदर से ये वो करके, तो और इसी चीज़ के चक्कर में रह ही जाता है। तो इसका एक और मतलब होता है ना कि बच्चों का खिलौना, जो अभी मेरी मेड आ रही है वो छोड़ने की बात कर रही है, और अभी 5 दिन ही आई है, और वो छोड़ने की बात बोल रही है कि खिलौना समेटना पड़ता है, और मुझसे नहीं बोली, नीचे सिक्योरिटी से बोली। मुझसे अगर बोलती तो मैं बोल भी देती कि हाँ मैं खिलौना समेट लूँगी अपना, अगर आप नहीं समेटोगे तो, लेकिन मुझसे नहीं बोली वो, उनसे जाके बोली कि ऐसे ऐसे उनके यहाँ बहुत काम होता है, बहुत सारे खिलौने समेटने पड़ते हैं, टाइम लग जाता है। सोचो वो काम करती है, काम करने मतलब जैसे हम लोग अपना घर का बस झाड़ू पोछा बर्तन करते हैं तो इसी में इतना थक जाते हैं, और वो 5-6 करती है, तो जब वो उतना करती है, उतना करने का प्रैक्टिस है, तब वो बोले कि ज़्यादा काम है, तो सोचो सच में ज़्यादा तो होगा ही। सच में मेरा पूरा घर जो है ना वो फैला हुआ रहता है, अभी झाड़ू लगाते हुए आप देख सकते हो कितना ज़्यादा फैला हुआ घर है, कितना गंदा, मतलब झाड़ू लग जिधर लग गया उधर तो चमकने लगता है, एकदम साफ़ हो जाता है, लेकिन जहाँ मैं लगा रही थी वहाँ कितना लग रहा था। और यहाँ ये दोनों भाई बहन टीवी देख रहे हैं ऊपर ऊपर ऐसे मुंह कर करके, और मेरे हस्बैंड भी खा लिए, वो भी अपना तैयारी कर रहे हैं, मैं भी अपना तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि उनके निकलने के जस्ट बाद फिर झाड़ू नहीं लगा पाऊँगी, तो झाड़ू लगा ली और उनके निकलने के जस्ट बाद फिर नहा भी नहीं पाऊँगी, तो मैं बोली बस थोड़ा देर में नहा करके आ जाती हूँ फिर आप निकलना, नहीं तो फिर उनके निकलने में मतलब पहुँचने में 40-45 मिनट लग जाता है, और जब तक वो पहुँचते नहीं है तो किसी के घर से निकलने के बाद नहाना नहीं चाहिए, तो मैं वेट ही करती रह जाती हूँ, और 12 से 12:30 फालतू में हो जाता, तो वो बोल रहे थे कि तुम जल्दी से नहा ही लो। तो मैं फटाफट से ब्रश करूँगी, और मैं पानी गर्म करके गैस चूल्हा पे गर्म करके नहाती हूँ, क्योंकि गीजर तो लगा हुआ नहीं है, और रॉड जो था वो इससे पहले जो लगा करके गर्म करते थे, जो स्विच में लगा करके और बाल्टी में डाल देते और गर्म होता है, वो हस्बैंड निकाल नहीं रहे, क्योंकि बाबू बहुत ज़्यादा बदमाशी करता है और डर लगता है कि कहीं ना चला जाए, मतलब कुछ ऐसा हो ना जाए, इस वजह से गैस पे ही जितना गर्म करना है कर लो। और कितना गर्म करेंगे, बर्तन कितना बड़ा रहता है हमारे घर में, जो सबसे बड़ा पतीला है उसमें गर्म करती हूँ, फिर भी मैं मतलब कि पूरा पूरा जो भरा हुआ बाल्टी रहता है उससे समझो कि 4-5 उंगली नीचे ही रखती हूँ, तब जाके तो नॉर्मल थोड़ा सा मतलब गर्म गुनगुना होता है पानी, नहीं तो गर्म नहीं होता उतना ज़्यादा, बर्तन भी तो नहीं है ना बड़ा बड़ा, बाहर में कौन बड़ा बड़ा बर्तन रखता है, तो इस वजह से आज तो मैं बर्तन सॉरी गर्म पानी भी नहीं की, क्योंकि उनको जाना था, तो मैं सोची जल्दी से ब्रश करके नहाने चली जाती हूँ। और पता नहीं क्यों नहाने में ना आप पैर हाथ धोते रहो बट नहाने का मन नहीं करते रहता है, ठंडा पानी से लगता है कि पता नहीं पैर हाथ किसी और का है क्या, क्योंकि पैर हाथ भी धो लो, मुँह भी पोछ लो, मतलब फेस वॉश भी कर लो, मुँह भी पानी से गीला होता ही है, बस बॉडी पर डालने का मन नहीं करते रहता है, इसके चक्कर में ना कभी कभी 5-10 मिनट एक्स्ट्रा ही लग जाता है, लगता है कि वापरे क्या बहुत ज़्यादा ठंडा पानी रहता है। जब दिल्ली में थी ना तो वहाँ पे मोटर वाला सिस्टम था, जब भी नहाने जाना है तो मोटर चलाओ तो गर्म पानी आ जाएगा, बट यहाँ टंकी वाला सिस्टम है, अगर धूप है तो पानी गर्म रहेगा, अगर धूप नहीं है तो पानी एकदम ठंडा रहेगा। तो मैं नहा करके आ गई, मेरे हस्बैंड भी ऑफिस जा चुके हैं, और अब इन दोनों को थोड़ा सा फ्रेश की हूँ, रोज़ इन दोनों को नहीं नहाती हूँ, मतलब एक दिन नहा दी एक दिन नहीं नहाई ऐसे कर करके, लेकिन कपड़े रोज़ चेंज करती हूँ, यहाँ तक कि 2 बार भी 3 बार भी हो ही जाता है, स्वेटर भी मैं रोज़ ही लगभग चेंज कर देती हूँ, आप लोग देखते होंगे लगभग डेली अलग अलग स्वेटर बाबू पहनता होगा, और मैं धोती भी थी जब हाथ से धोना पड़ता था तो भी धोती थी, मशीन में है तो भी मैं 3-3 स्वेटर उस दिन डाल दी थी, सूख ही गया था 2 दिन में, सूख गया था मतलब एक दिन बाद सूख गया था।
तो अभी इन दोनों का बाल कंघी ये सब करना है मुझे। इन दोनों को कितना भी रबर लगा दो, कितना भी क्लिप लगा दो, भुला ही लेता है, पता नहीं कैसे भुला जाता है। तो मुझे लग रहा था कि है यहाँ पे, और मैं पूरा बाल बांध दी थी और रबर लगाना था बस, तो रबर मिल ही नहीं रहा। मैं इसका चुटिया पकड़ के मैं वहाँ तक फ्रिज तक गई कि कभी गिरा हुआ रहता तो उठा के फ्रिज पर रख दी ऐसा करके, लेकिन नहीं मिला। तो उसका बाल ऐसे ही तब तक छोड़ दी, और फिर अब मैं मीठी का बाल बांध रही क्योंकि इसके बाल में रबर लगा हुआ था तो इसका बंधा आ जाएगा। तो ऐसा मेरे साथ, खुद के साथ भी कई बार ऐसा होता है कि मैं बाल बांध रही हूँ बंधा हाथ से पकड़ के, और तब रबर चारों तरफ मैं खोजती रहती हूँ कि कहाँ है, कहीं फ्रिज पे तो नहीं है, कहीं यहाँ तो नहीं है, वहाँ तो नहीं है। आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताना कि जैसे बाल बांध लिए और रबर नहीं मिल रहा है। कई बार तो हाथ दर्द हो जाता है रबर ढूंढने के चक्कर में ऐसे बाल पकड़े पकड़े। और इसके बाद ना 1:30 से 2 बजे के बीच में दोनों बच्चे को पता चल जाता है, पता नहीं टाइम तो दोनों को देखने नहीं आता है लेकिन पता चल जाता है कि शायद वो टाइम आ गया जो पार्क जाने का है। शायद खाना पीना खाने के बाद थोड़ा देर के बाद लगता होगा कि रोज जाते हैं, किसी तरह तो मिला ही लेते होंगे ये लोग टाइम। तो एकदम 1:30 से 2 के बीच में बाबू तो ताला चाबी देने लगता है हाथ में, और हाथ पकड़ के गेट के पास ले जाता है, बोलता है आ आ पता नहीं इधर ले चलो ऐसा करके। और मीठी भी बोलने लगती है चलने के लिए, और किसी किसी दिन तो मेरा मूड अब नहीं करता है जाने का। जैसे मान लो अभी टीवी देख रहे हैं तो टीवी ही में मन लग गया, मतलब ऐसा होता है, और बहुत ज़्यादा थका भी देता है इसलिए भी मेरा मन नहीं कर रहा था। तो एक दिन मैं नहीं गई थी, यहाँ पे मैं टीवी देख रही थी और साथ ही साथ इन लोगों का बाल बांध रही। हे गाइस, सो मेरा नहाना धोना खाना पीना सब कुछ हो चुका है और रोज की तरह पार्क जा रही हूँ, पर आज मैं ये वाला सूट पहनी हूँ, मतलब वूलन सूट स्वेटर की तरह, एकदम एकदम गर्म है देख सकते हो, इसमें थोड़ा थोड़ा बॉल बन रहा है। वो जो ब्लू वाला है उसमें बिल्कुल बॉल नहीं बन रहा है, पिंक वाला में थोड़ा सा बन रहा है, इसमें भी थोड़ा सा बन रहा है, बट ये ऑफलाइन खरीदे और वो दोनों ऑनलाइन। टीवी चल रही है, इसको बंद करके पार्क से आती हूँ फिर थोड़ा बात करूंगी। चलो चलो चलो, तैयार है, हम दोनों हैं तैयार, भाई बहन हैं, का रिश्ता है ये, भाई बहन का रिश्ता है, स्लीपर पहन पाओ, अब आ गई मैं पार्क। और आप लोग एक चीज़ ध्यान देना, इस मौसम में, ठंड के मौसम में ना, मतलब कि जो कुत्ते के बच्चे होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि इसी मौसम में ज़्यादा। गर्मी में मैंने कभी नहीं देखा है, ज़्यादातर मैं ठंड के मौसम में ही देखी हूँ। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे हैं, 2 कुत्ते के अलग, मतलब जो भी हो अलग अलग है, और 5-6 है, और बच्चे इसी में व्यस्त रहते हैं। बहुत पेरेंट्स हैं जो नहीं छूने देते हैं, बहुत पेरेंट्स हैं जो बिल्कुल कुछ नहीं बोलते, जिसमें मैं हूँ जो नहीं छूने देती हूँ, मुझे नहीं पसंद है मतलब कि बच्चा छूए, मुझे डर लगता है क्योंकि पता नहीं है ना कि कहीं काट ले, कहीं कुछ हो जाए, क्योंकि किसी का कुछ पता नहीं है, तो वो बच्चा है भी और वो भी कोई इंजेक्शन दिया हुआ तो कुत्ता है नहीं, तो डर लगता है, इसलिए मैं तो नहीं छूने देती हूँ। लेकिन नहीं भी काटता है, सब बच्चा छू रहा है तो ये है। और दूसरा ये बेबी, एक क्यूट सा बेबी है हमारे ही फ्लैट का, एक है जिनका नाती था तो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था, तो इसका भी वीडियो मैंने लिया। और जो मैंने बोला था घर आके मैं बात करूँगी वो मैं नहीं कर पाई क्योंकि यहीं पे मैं एंड कर। तो अब मैं मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट सब कुछ कीजिएगा। मिलूँगी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर।